उत्तर प्रदेश में आगरा के कमला फार्म हाउस में सेक्स रैकेट पकड़ा गया, जिसमें फार्म हाउस संचालक 3 युवतियां सहित 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक आगरा में एएसपी सौरभ दीक्षित ने पुलिस टीम के साथ कमला फार्म हाउस सिकंदरा में छापा मारा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई, जहां मौके से 4 कमरों से 3 युवतियों और 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद की स्वाट टीम और थाना सिकंदरा टीम को थाना क्षेत्र सिकंदरा में हो रहे देह व्यापार में संलिप्त लोगों और उस गिरोह के कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिनों हुई गिरफ्तारी और अभियुक्तों के छानबीन पूछताछ से बहुत सारी सूचनाएं जो हमारी टीम को मिली थी, जिसके क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में सूचनाओं को डेवलप कराया गया और उन डेवलप सूचनाओं के आधार पर कल एएसपी हरिपर्वत और एसीएम फर्स्ट के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने कमला फार्म हाउस पर छापेमारी की और वहां से कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 महिलाएं सम्मिलित हैं। कुल 5 लोग जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ होटलों के नाम प्रकाश में आए हैं, जहां पर इस प्रकार की देह व्यापार की घटनाएं इस गिरोह के द्वारा कराई जा रही है। उन होटलों के बारे में छानबीन की जा रही है, उनके संचालक, उनके मालिक के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये बताया गया कि ये जो अभियुक्त हैं, जो ये गिरोह का संचालन कर रहे हैं, ये सिकंदरा क्षेत्र के विभिन्न होटलों पर रिसेप्शनिस्ट का कार्य भी करते हैं और उन्हीं कार्य के दौरान इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के क्राइम में संलिप्त लोगों के टच में आने के बाद वह स्वयं देह व्यापार का धंधा करने लगे थे और उसको डिफरेंट होटल्स में कांटेक्ट करके वहां इस प्रकार की घटना कारित करते थे। सूचनाओं को डेवलप कराया जा रहा है। विगत दिनों इन्हीं अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त ने लूट की घटना का भी प्रयास किया था, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें उस मुकदमे में भी जेल भेजा जा रहा है और अभियुक्तों के पूछताछ में जितनी भी सूचनाएं हमें मिली हैं उसको डेवलप करते हुए थाना सिकंदरा क्षेत्र और जनपद आगरा के शहर में अन्य गिरोह जो संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से परविंदर राजपूत की रिपोर्ट, सच दर्शन।